guys, welcome to Eat the Arthrodotin. My name is Varsha. To start karte hain chapter 7, Princess of India, a baker from Goa ke question answer. So page 86 ke question answer hai. First question hai hamara, what are the elders nostalgic about? Hamare jo Goa ke elders hai, wo kis baare mein nostalgic hai, kin cheezon ko yaad karke khush ho rahe hain? So answer is, the elders in Goa are nostalgic about the good old Portuguese day and their love for the famous bread and the loaves. ये जो गोवा के हमारे elders हैं वो बड़े ज़्यादा याद किसको करते हैं? Good old Portuguese day को, पुराने Portuguese के दिनों को याद करते हैं और उनका जो love था, प्यार था bread और उसके loaves के लिए वो याद करते हैं. The writer also mentions that although the eaters of loaves have vanished, but the makers still do exist. अब यहाँ पे राइटर ये भी मेंशन करता है कि भले ही ये जो ईटर्स है वो खत्म हो गए, जो खाते थे इन लोव्स को, इन ब्रेड्स को, वो खत्म हो गए हैं, पर अभी भी जो इन लोव्स को, इन ब्रेड्स ब्रेड्स को बनाते हैं वो यहाँ पे रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं. क्वेश्चन टू पे चलते हैं. इट आस्क्ड, Is bread making still popular in Goa? How do you know? क्या अभी भी bread making Goa में popular है? आपको कैसे पता चलता है? तो answer भी क्या लिखेंगे? Yes, bread making is still popular in Goa. Goa में अभी भी bread making popular है. It is evident from the fact when the narrator states that the eaters have gone away, but the makers still exist. तो ये हमें कहाँ से पता चलता है कि अभी भी पॉपुलर है गोवा के अंदर ब्रेड मेकिंग? क्योंकि नरेटर क्या हमें बताता है कि भले ही पोर्टुगीज चले गए हैं, लेकिन उस ब्रेड को बनाने वाले लोग अभी भी जिंदा है. एंड द प्रेजेंस ऑफ मिक्सर्स, मोल्डर्स एंड द वन हु बेक द लोव्स एंड द टाइम टेस्टेड फर्नेसेस आर प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस. तो ये जो मिक्सर्स है, यानी कि जो लोग मिक्स करते हैं ब्रेड के डो को, जो मोल्ड करते हैं ब्रेड को, जो फर्नेस है टाइम टेस्टेड, यानी कि टाइम ने जिनको टेस्ट किया है टाइम एंड अगेन, वो सभी चीजें भी जिंदा है, अभी प्रेजेंट है. उस बात का प्रूफ है कि ये जो हमारे ब्रेड बेकर, ये जो ब्रेड मेकर है गोवा के, वो अभी भी पॉपुलर है और अभी भी सभी इन्हें खाते हैं. सो दिस इज आवर आंसर नंबर 2. लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 3. It says, what is the baker called? Baker को क्या बुलाया जाता है गोवा के अंदर? Answer is that a baker is popularly known as a pedar, a father in Goa. Goa में इन्हें father या pedar के नाम से जानते हैं bakers को. Question 4 कहता है, पूछ रहा है हमसे, when would the baker come every day? कब baker आता था हर रोज? When did the children run to meet him? Sorry, why did the children run to meet him? क्यों बच्चे बेकर को मिलने के लिए भाग के जाते? तो हमने पढ़ा था, हमने देखा था जब हमने समरी देखी थी, कि पहली बात तो वो दो बार आता था दिन में, जब वो अपना सारा सामान भर के बेचने जाता था, और दूसरी बार वो सारी चीजें अपनी बेच के वापस आता था. और जब भी वो बेचने जाता था तो बच्चे दौड़ के भागते थे. क्यों भागते थे? ताकि वो अपने क्या चूज कर सके, ब्रेड बैंगल चूज कर सके. आओ लिखते हैं इसे. The baker would come twice every day. Once he would set out early in the morning, and the second time when he returned after emptying his huge basket by selling all his bread. सभी ब्रेड्स को बेचने के बाद आता था अंत में, सबसे पहले मॉर्निंग में हुआ जाता था. मॉर्निंग में क्या करता था, अपने पूरी जो भरी हुई टोकरी रहती थी वो रखता था, और रखने के बाद जो भी विमेन होती थी हाउसकीन को गुड मॉर्निंग कहता था. बास्किन और पास्किन जो कि मेड और सर्वेंट होते हैं गोवा में, जिनको हम गोवा के अंदर मेड्स को बास्किन और पास्किन के नाम से जाना जाता है. सो वो आते थे, ब्रेड्स लेके जाते थे, और बच्चे अपने लिए क्या चूज करते थे, बैंगल्स. नेक्स्ट देखो क्या कहता है ये, द चिल्ड्रन वुड रन टू मीट हिम एज दे लव्ड टू ईट लोव्स एंड लॉन्ग टू हैव bread bangles which they chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. So what happened? कि जो बच्चे होते थे वो दौड़ के जाते थे इसके पास. और क्यों जाते थे? क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता था वो ब्रेड के लोव्स, और साथ ही साथ उन्हें अपना वो बैंगल ब्रेड, जो कॉर्नफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है ब्रेड बैंगल्स को, वो भी अच्छा लगता था. कई बार स्वीट ब्रेड्स भी इनको खाने को मिलते थे. So this is why these people, these children used to run to the baker.
नेक्स्ट चलते हैं हमारे 87 पेज वाले कॉम्प्रिहेंशन पे. मैच द फॉलोइंग, व्हाट इज अ मस्ट. तो अब मैच करना है हमें क्या चीजें किसको मैच कर रही है. सो एज अ गिफ्ट, एज मैरिज गिफ्ट, मैरिज गिफ्ट में हमें क्या चाहिए होता था, हमने ये देखा था कि जब हमें मैरिज गिफ्ट चाहिए होता था तो हमें एक ऐसा स्वीट ब्रेड चाहिए था जिसके बिना वो मैरिज का गिफ्ट बिल्कुल ही क्या है, मीनिंगलेस. तो ढूंढते हैं केक्स एंड बोली हानास, ये तो हमारा नहीं लगता. स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल्स, यस स्वीट ब्रेड चाहिए था मैरिज के अंदर और उसको हम बोल के नाम से जानते थे. तो मैं यहाँ पे वन लिख देती हूँ. सो अ पार्टी और अ फीस्ट, पार्टी या फीस्ट के लिए क्या जरूरी था, हमारे पार्टी और फीस्ट के लिए जरूरी था ब्रेड्स. ब्रेड्स नहीं होते थे तो वो पार्टी और फीस्ट क्या होती थी, बिल्कुल टेस्टलेस हो जाती थी, जैसा आपका वो बिना पिज्जा और चौमिन के पार्टी हो जाती है आज के टाइम में. सो केक्स एंड बोली हानास एंड सेकेंड इज ब्रेड. ब्रेड इज इम्पोर्टेंट फॉर अ फीस्ट और पार्टी. सो आई विल राइट इट सेकेंड यहाँ पे, आप इसको मैच कर लेना. थर्ड कहते हैं फॉर अ डॉटर्स इंगेजमेंट, डॉटर की इंगेजमेंट के लिए क्या मस्त था. केक्स एंड बोली हानास, नो. सैंडविचेस, यस सैंडविचेस बहुत मस्त थे क्योंकि उसकी मामा, जो डॉटर की मामा हुआ करती थी, तो जब इंगेजमेंट होता था बेटी का उस दिन वो इन ब्रेड्स की सहायता से क्या बनाती थी, सैंडविचेस बनाती थी. सो सैंडविचेस के आगे लिख देते हैं थर्ड. नाउ द रिमेनिंग वन, जहां पे क्या लिखा है फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए क्या एसेंशियल था, क्या मस्त था, इंसान बोली हानास, यहाँ पे लिख दिया हमने. तो दिस इज आवर मैच द कॉलम, चलो इसको ऐसे ही मैच कर देते हैं तुम लोगों के लिए. तो सेकेंड यू हैव दिस एंड द लास्ट वन, दिस वॉज योर मैच द कॉलम. चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे. व्हाट डिड द बेकर वियर, बेकर क्या पहनते थे इन द पोर्टुगीज डे. पोर्टुगीज जब रहा करते थे तब के टाइम में ये बेकर्स क्या पहनते थे. इन द पोर्टुगीज डेज द बेकर यूज्ड टू ड्रेस अप इन पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज कबई. इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज. तो पोर्टुगीज डे के टाइम पे ये लोग एक बहुत ही ज्यादा पेक्यूलियर, बहुत ही ज्यादा मतलब प्रोमिनेंट कपड़ा पहनते थे. वो क्या था, एक ऐसा फ्रॉक जो उनके नीज तक पहुंचे और उसको हम किस नाम से जानते थे, इस फ्रॉक को कबाई के नाम से जानते थे. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. इसी में नेक्स्ट कहता है व्हेन द ऑथर वाज यंग, जब ऑथर हमारा यंग हो गया तो छोटा था तब ये बेकर्स क्या पहनते थे. तो ड्यूरिंग द ऑथर्स चाइल्डहुड डेज he saw the baker wearing a shirt and trousers which were shorter than full length one and longer than the half pants. So, जब हमारा जो author था, जब वो अपने childhood days में था, तो ये जो हमारा bread baker हुआ करता था, जो baker हुआ करता था, वो shirt पहनता था और साथ ही साथ pant पहनता था. वो pant ना तो full हुआ करती थी और ना ही half हुआ करती थी, वो बीच में 3/4 पे आती थी, जिसे आप आज के टाइम पे कैपरी कहते हो, वो पहनते थे हमारे ये बेकर्स ऑथर के टाइम पे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. Who invites the comment he is dressed like a feather, why, किसको हम कहते हैं कि ये तो feather की तरह ड्रेस किया हुआ क्यों. तो आंसर से क्या है, anyone who wears a half pant that reaches just below the knees invites this comment he is dressed like a feather. This is because the baker who is popularly known as feather in Goa used to dress in similar fashion. तो जो भी इंसान आज के टाइम पे गोवा के अंदर 3/4 पैंट या फिर वो पैंट जो आपकी नीज से नीचे जा रही है वैसे पैंट पहनते हैं, तो वहां के लोग कहते हैं ये तो फेदर की तरह ड्रेस्ड अप है. क्यों, क्योंकि पहले के वक्त में जो बेकर्स हुआ करते थे, जो पैदर्स हुआ करते थे, वो सेम इसी मैनर में, इसी फैशन में वो भी अपने आप को ड्रेस किया करते थे. क्वेश्चन 4 कहता है वेयर द मंथली अकाउंट ऑफ बेकर रिकॉर्डेड. तो जो ये बेकर है उसका मंथली अकाउंट कहाँ पे रिकॉर्ड होता था, कि आज इसने कितने ब्रेड लोव्स दिए, कल कितने ब्रेड लोव्स दिए. तो ये जो रिकॉर्ड था ये पूरे एक वॉल के ऊपर लिखा जाता था विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल, पेंसिल के सहारे वॉल के ऊपर पूरा का पूरा ये जो चार्ट होता था या ये कह लीजिए मंथली रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्डेड होता था. तो आंसर क्या लिखेंगे, द बेकर यूजुअली कलेक्टेड देयर bills at the end of month and their monthly account were recorded on some wall in the house with a pencil. किसके ऊपर लिखा जाएगा, वॉल के ऊपर, और किसके सहारे,
पेंसिल के सहारे, ताकि ये जो पैदर है, जो बेकर है, वो क्या कर सके, वो अपना मंथली जो बिल आया है वो कलेक्ट कर सके, ताकि अगली मंथ से वो फिर आपको नया सिरे से दिया करेगा ब्रेड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 5, व्हाट डज अ जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मींस। तो जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस से क्या मतलब होता है? आंसर है इसका, अ जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मींस अ प्लम फिजिक। तो थोड़ा सा से चबी सा फिजिक होने को हम क्या कहेंगे? जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस कहेंगे। तो जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस, प्लम फिजिक। A baker used to resemble such a physique since it was believed that he and his family never starved. तो ऐसा माना जाता था कि ये जो जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस है वो किसकी होती है? हमारे बेकर की, क्योंकि उसके पास खाने की कभी कोई कमी नहीं है, ब्रेड की कभी कोई कमी नहीं हो सकती है। Baking was a lucrative profession and the baker, his family and his servant always looked happy and prosperous with their physical appearance. तो हमारे जो बेकर्स हुआ करते थे, ऐसा माना जाता था कि बड़ा ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये जो बेकिंग का है, और उसकी फैमिली, उसके सर्वेंट्स बड़े ही प्रॉस्पेरस, बड़े ही ज़्यादा संतुष्ट दिखते थे जब भी उनको देखने को मौका मिलता था विलेजर्स को। तो इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि जिसकी भी अपीयरेंस बेकर की तरह, सॉरी जैकफ्रूट की तरह लग रही है, वो क्या है? बेकर होगा प्रोफेशन से दुआ के अंदर। So this was all about this comprehension question answer. Now let's move on to our next topic, next video. जिसके अंदर हम करेंगे thinking about the text. So I'll see you there. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.